स्वर से तेरे जग जगया, रंगों से अंबर सजया, भेंट है परमात्मा की। पक्षी प्यारे पक्षी, रोबोटिक्स रिसर्च स्टूडेंट्स डॉक्टर वसीकरण से मिलने की अपॉइंटमेंट ली है हमने। प्लीज कम इन। अरे यार, मस्त हाइपर बोला है। एक्सक्यूज मी, आप? आई एम डॉक्टर वसीकरण असिस्टेंट। ओह, योर नेम? नीला। ब्यूटीफुल, थैंक्स। नीला? नीला व्हाट? नीला पानी, आसमान भी नीला। तो तोड़ू या डूब जाओ? रिंगटोन है। कैन आई हैव योर नंबर? 1-1-4-2-3-8-7-9। लुक व्हाट ही, अंदर लो, जुबान लटक रही है। हाय। डॉक्टर, हम मैकेट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स हैं। आपने एक नया ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया है, प्रोफेसर मित्रा ने बताया। क्या हम उसे देख सकते हैं? श्योर। ये है मेरा बनाया हुआ रोबोट, प्रोजेक्ट नीला। नाइस, इंटेलिजेंट, लवली असिस्टेंट। ह्यूमनॉइड X12 2018 मॉडल, क्वांटम कोर मिलेनिया, X12 5D एक्सट्रीम प्रोसेसर, अनलिमिटेड क्लाउड मेमोरी एंड 1 THz स्पीड, बिल्ट इन सिम्युलेटेड अमिगडाला। ये है नीला का MPU, मेमोरी एंड पावर यूनिट, जैसे कि हमारा दिल। सिंथेटिक स्किन। MPU उड़ेगा या डूबेगा? और वो फोन नंबर? माय IMEI नंबर। तो ये भी चिट्ठी जैसा है क्या डॉक्टर? नहीं, ये असीमोव के नियमों के अनुसार बनाया गया डोमेस्टिक पर्पस रोबोट है। ये एक सेक्रेटरी, फ्रेंड या केयर टेकर बनकर हर तरह से लोगों की मदद करेगी। क्या इसमें फीलिंग्स भी है डॉक्टर? है ना, प्री प्रोग्राम्ड, कस्टमाइजेबल, कंट्रोल्ड फीलिंग्स। चिट्ठी कभी वापस आ सकता है क्या डॉक्टर? साइंस के हर आविष्कार को पहले डेंजरस समझा गया। शुरू में लोगों ने खूब जमकर उसका विरोध भी किया, लेकिन जरूरत पड़ने पर लोगों ने उसे अपना भी लिया। चिट्ठी की भी एक दिन जरूरत पड़ेगी। डॉट। हे निकिता, गुरु है। गया। निकिता बात तो सुन लो, मैं तुम्हें साइंटिफिक क्यूरियोसिटी की वजह से फ्लर्ट कर रहा था। वो रोबोट ही ऑब्वियस नहीं था क्या? चुप कर लायन। माय बॉबी स्नो व्हाइट बेबी। हे हैशटैग गॉड्स में, तुम्हें बर्थडे पर मैं एप्पल वॉच गिफ्ट करने वाला था।
इंजेक्शन आया है, तुम खाना खा के वहाँ आ जाना, ठीक है? My flight is delayed. Inform the client. I'll be there. ऑफिस से आते ही पूरी फैमिली एक साथ बैठकर बातें करती है. We spend quality time, you know. Oh, idiot. अरे फोन दो जरा. पापा को जरूरी कॉल करना है. लाओ दो फोन. अरे क्या, ये लो. पापा ने कुछ नहीं किया. आता घर आ जाएगा. अगले महीने मेरी बीसी निकलेगी तो. हाँ? रात में दाल चावल और आलू. दादा इज रिसाइडिंग इन ऑल ऑफ दैट एज मी, सो दैट मी थ्रू दिस मी टॉकिंग टू मी. मन्नू मैं कहता हूँ अपने प्रिंसिपल की कोई चाल है. हेलो कहाँ हो तुम? छतराओगे क्या हुआ? प्रोजेक्ट मैनेजर और वो पपीता प्रीति के बीच खास डीलिंग है. उसे प्रमोशन देकर ऑन साइट भेज दिया है. मिस्त्री को बुलाने गए, आने की खबर ही नहीं. कल महावीर जयंती कहा तरह ठीका बन रहेगा. रात को ही खरीद कर रखना. 4G वाईफाई ब्लूटूथ और डुअल सिम कैपेसिटी भी है. लड़कियां देखने आया था, यहाँ तो मर्द ही मर्द. Danger, girlfriend calling. Hi, Sana. अरे वाह सर, आज मेरा फोन कैसे ले लिया? Sorry, Sana. कितने फोन कॉल्स? तुमने ये फोन लिया ही क्यों? बहुत बिजी हो ना? तुम्हारे घर से 10,000 किलोमीटर दूर आई हूँ, पागलों की तरह पढ़ाई कर रही हूँ, और तुम प्रोजेक्ट करने के बहाने अपनी उस लीला के साथ प्लॉट कर रहे हो. वो एक खिलौना है सना. खिलौना पर गुड़िया है ना. Come on, honey. 112 मिस कॉल्स. उन मिस कॉल्स के बदले 112 किसेस दिए तो. 112 छोड़ो, एक किस ठीक से दे दो. Flying kiss? सर मोबाइल चोरी हो गया, आपको कहाँ कंप्लेन करे हो? उसी के लिए इतनी लंबी लाइन लगी है, जाके पीछे खड़े हो जाओ. सेल फोन जुड़ गए, ये कैसे हो सकता है? कुड़के कहाँ गए? इसमें किसका हाथ है? कोई एक आदमी है या किसी गैंग की साजिश है? हमें तो बहुत डर लग रहा है. ये सब दुनिया की बर्बादी का निशान है, वेदों में लिखा है. ओजोन लेयर में जो होल है ना, वो ब्लैक होल बन गया है. हमारे सेल फोन सब वहाँ जा रहे हैं. ए, क्या बोल रहे हो? वो कोई ड्रेनेज होल है क्या जिसमें सब चला जाएगा? शेयर मार्केट से हूँ सर, तो बिना सेल फोन मर जाऊंगा. व्हाट्सएप और सेल्फीज के बिना लाइफ का कोई मतलब ही नहीं है. मैं तो जब बाथरूम जाता हूँ तब भी मोबाइल साथ लेके जाता हूँ, अभी तो मुझे प्रेशर ही नहीं आता. अब वो कुवैत में है, सेलफोन के भरोसे ही तो हमारा रिश्ता चलता है. कॉन्टेक्ट में अम्मा के नाम से सेव किया था, अब उनका लैंडलाइन नंबर कहाँ से याद करूँ? अरे उस फोन में बैंक अकाउंट, ATM पिन, पासवर्ड सब सेव है, मैं क्या करूँ? उसमें गर्लफ्रेंड के साथ फोटो वीडियो सब कुछ है, किसी ने इंटरनेट पे डाल दिया तो. एक्सक्यूज मी, आईफोन का अलग सेक्शन है क्या? हाँ है ना, पागलखाने के पास में अलग सेक्शन खोल के रखा है, वहाँ जाओ. सर बहुत सेंटिमेंटल फोन है सर, अपने और नहीं खेल सकता. ये सब भी कंप्लेन में लिखो. मैंने तो सेल फोन मंगलसूत्र से बांध के रखा था, वो भी चला गया, 10 तोले का था सर. अरे ना बीवी की खिचपिट ना मोबाइल का बिल, खुश रहो. सर किसी का श्राप है, तिरु नल्लार में पूजा करने से फोन वापस आ जाएगा. क्या बक रहे हो? कमिश्नर साहब ने बुलाया. ठीक है सर, देखता हूँ. थैंक यू सर. टेलीकॉम मिनिस्टर का फोन. सर CM का फोन भी नहीं बचा. यस सर, आपका PM मेरे सामने ही बैठा है, मैं देखता हूँ. सर मिनिस्टर साहब का फोन. सर पूरा हीरो से जड़ा था, 0.25 कैरेट सर, 526 स्टोन्स थे सर. 2 करोड़ का था सर, कैसे भी करके ढूंढ दीजिए. समझ गया सर. इज द BSNL चीफ टेक्निकल ऑफिसर राम सुब्रमण्यम. प्लीज सिम कार्ड से ट्रैक करने की कोशिश की थी ना, कुछ पता चला? सिर्फ BSNL ही नहीं, बाकी सारे नेटवर्क भी अपने किसी सिम कार्ड को बिल्कुल ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं सर. सारे के सारे सेल फोन स्विच ऑफ हैं. ओके.
पूरे शहर के सेल फोन गुम हो गए हैं। सारे स्विच ऑफ कैसे हो गए? हाउ इज इट इवन पॉसिबल? नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज, सेल फोन हुए उड़ के गायब, पागल हुई भीड़, कंफ्यूजन में है पुलिस, मुख्य सचिव के साथ विशेषज्ञों की आपातकालीन बैठक। So dog, I think you know the situation. What is this? ये क्या phenomenon है? This is strange. मैंने सारे NASA studies, Interpol records, सब study किए। ऐसी कोई घटना आज तक कहीं रिकॉर्ड नहीं हुई। इसका साइंटिफिक जवाब देना फिलहाल तो मुमकिन नहीं है। ये साफ नजर आ रहा है, दिस इज अ टेररिस्ट अटैक। कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं वो लोग। यही हमारा डिफेंस सिस्टम है सर, जो समझ के बाहर है, टेररिस्ट ने किया या भगवान ने किया सोच लेते हैं। क्या ये किसी दूसरे ग्रह के लोगों का काम हो सकता है? नहीं सर, मैंने इसरो रिपोर्ट्स पढ़ी, स्पेस में इस तरह की एलियन मूवमेंट्स या एक्टिविटीज फिलहाल नजर नहीं आई है। इसी फील्ड में रिसर्च कर रही किसी इंटरनेशनल कंपनी का ये काम हो सकता है। जो हमारी सेलफोन टेक्नोलॉजी है उसको डिस्ट्रॉय करके उनको कुछ नया करना होगा, इसीलिए पब्लिक डिस्प्ले। जहाँ तक मेरी जानकारी है, सिटी के सारे सेलफोन एक साथ चिड़िया की तरह उड़ने लगे, ऐसी टेक्नोलॉजी दुनिया में कहीं नहीं। मे बी इससे पहले भी यहाँ किसी ने कोई बकवास रोबोट बनाया था ना, वैसे ही किसी क्रैंक साइंटिस्ट की कोई आविष्कार करने की बेवकूफ कोशिश का नतीजा भी हो सकता है। ये कौन है? पहले जो AIRD चीफ थे बोरा, उनके बेटे हैं दिनेंद्र बोरा, ब्रिलियंट साइंटिस्ट, ये भी AIRD में डायरेक्टर हैं। ये सेलफोन गायब होने वाले दिन के इनसेट 3D वेदर सैटेलाइट के साथ GSAT-16 कम्युनिकेशन सैटेलाइट के कंबाइंड डेटा का विजुअलाइजेशन है। ये छोटे डॉट्स हैं हमारे सेलफोन्स, और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक आकर अचानक सब एक साथ गायब हो जाते हैं। सेलफोन्स ट्रोपोस्फियर से आगे नहीं गए, इसका मतलब सी लेवल से 10 किलोमीटर के अंदर ही हैं। दूरी नापेंगे तो चेन्नई से लगभग 200 किलोमीटर रेडियस से दूर नहीं, इसी दायरे के अंदर ही ये सारे फोन्स हैं। हम केवल चार फोर्स के बारे में जानते हैं, ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर और वीक न्यूक्लियर। इनमें से कोई भी सिर्फ सेलफोन्स को आकर्षित नहीं कर सकता। आई बिलीव दिस कैन बी एक्सप्लेन साइंटिफिकली डॉट। सारे फोन दुकान के शीशे तोड़ के उड़ गए। सच में कंटेनर लॉरी यहाँ कब तक आएगी? एग्री क्रॉस कर चुकी है। कुत्तो, आंध्रा बॉर्डर भी क्रॉस नहीं किया? हेलो, यहाँ मैंने सेल्स की अनाउंसमेंट कर दी है, पूरे शहर में एक भी सेलफोन नहीं है। लोग जैसे तिरुपति में सुबह 6 बजे से लाइन लगाते हैं, वैसे ही लाइन लगी होगी। जानता हूँ साहब, माल 4 बजे से पहले आपके पास पहुँच जाएगा। आज शाम को पहुँच जाएगा ये बोला था। गाने ऐसे ही होते हैं। भाई, भाई। भाई, भाई अंदर कोई हथौड़ा से मार रहा है। क्या बोल रहा है? अंदर सिर्फ सेलफोन भरा है। आते ही मेरे घर फोन करना। श्योर सर, कल पुलिस प्रोटेक्शन टाइम्स आएगा ना? पैसे दे दिए हैं सर, कल सुबह यहाँ आ जाएगा। ठीक है सर, मगर कल नए सेल फोन भी इसी तरह उड़ गए तो समझ लो अब हो गए बुरे दिन शुरू, हमारे नहीं सबके।
ये क्या आवाज है सर? कंटेनर आ चुका है। ये कौन बोल रहा है? मोहनन सर, आपने कहा था ना कंटेनर आते ही फोन करने के लिए, आ गया है सर। कहाँ है? आपके घर में सर। कमिश्नर राजेंद्र नाथ मिल चुका। प्लीज कमेंट। जयंत कुमार के मर्डर में किसी ह्यूमन प्रेजेंस का निशान नहीं है, क्योंकि वो एक सेलफोन होलसेलर है। शायद इस बात से हमें कोई क्लू मिल जाए। उसकी फैमिली शहर से बाहर है और वो घर पे भी अकेला ही था। यहाँ पे काम करने वालों को भी कुछ पता नहीं है। कमरे में एक भी फिंगरप्रिंट या फुटप्रिंट नहीं है। वो एक्सप्लोड होकर टुकड़े टुकड़े हो गया, लेकिन किसी एक्सप्लोजिव का कोई ट्रेस नहीं है। सवेरे से इसके शोरूम में मोबाइल फोन्स का एक बड़ा सेल लगने वाला था। मोबाइल वाले कंटेनर का भी कल रात में एक्सीडेंट हो। दुनिया के सारे पक्षियों का वजन मनुष्य के वजन से 100 गुना ज्यादा होता है। आदमी जितना खाते हैं उससे 1000 गुना ज्यादा खाते हैं पक्षी। अगर वो कीड़े नहीं खाएंगे तो यहाँ एक पत्ता तक नहीं बचेगा। लोगों को खाना नहीं मिलेगा, क्योंकि कीड़ों का आंकड़ा पक्षियों से 100 गुना ज्यादा होता है। अगर मनुष्य को जिंदा रहना है तो पक्षियों का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। सर, हर साल वेडन थंगल को आने वाले पक्षियों की गिनती कम हो रही है, ऐसा क्यों सर? पहले हर सुबह चिड़ियों की चहकने की आवाज से जगा करते थे, अब तो शहर से चिड़ियों का नामो निशान ही मिट गया है सर। '96 में हिंदुस्तान में सेलफोन इंट्रोड्यूस किया गया, उसके बाद से ही पक्षियों की गिनती कम होती चली गई, खास करके चिड़िया की। इसका नाम है आर्टिक टर्न। ये 50 ग्राम का एक छोटा सा पक्षी है। हर साल 12,000 किलोमीटर दूर अपने वेडंतांगल तक आता है और फिर लौट के चला जाता है। इसके पास मैप या रडार नहीं है। उसके दिमाग में आकाश से दिशा किरणों को पढ़ने की शक्ति है, उससे वो दिशा को पहचान पाता है। ये इस पक्षी की खासियत है। अब हमने सेलफोन टावर से निकलती हुई किरणों को आसमां में भर दिया है। इसे पक्षियों के दिमाग के अंदर की रेखा ग्रहण शक्ति आहिस्ते आहिस्ते खत्म होती जा रही है। वो राह भूल कर खो जाते हैं और उनका विनाश होते जा रहा है। इस रेडिएशन की वजह से पक्षी के अंडे बगैर मांस के कमजोर और नरम हो जाते हैं। पक्षी अंडे सेकने के लिए जैसे ही बैठते हैं तो वो टूट जाते हैं। सच तो यह है कि मानव की भी यही समस्या है। हम के शिकार बनते हैं, कम होती है, बढ़ता है, और इससे ज्यादा डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया, अल्जाइमर जिससे मानसिक कठिनाइयां बढ़ जाती हैं। सारे सिम्टम्स अब नजर आने लग गए हैं। मिस्टर पक्षी राजन, तो बताइए सॉल्यूशन क्या है? सेलफोन्स किसके लिए इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर? फिजूल बातों के लिए। उसे कंट्रोल करेंगे,
इतने सेल फोन क्यों, इतने टावर्स किस लिए, उसे कम करेंगे। सेल फोन कौन किस चीज के लिए कितना इस्तेमाल कर सकता है, इसके लिए एक कानून होना चाहिए। पागल हो गया है लगता है। आज के हाई फ्रिक्वेंसी सेल फोन टेक्नोलॉजी के बदले दूसरी टेक्नोलॉजी का पता लगाएंगे। हेलो, तब तक इस देश के 90% सेल फोन टावर्स को हम बंद रखेंगे। हेलो, गुड आइडिया। Save bird, save earth. Save bird, save earth. Don't kill, don't kill. Don't kill bird. Save bird, save bird. Save bird, save earth. Don't kill, don't kill. Don't kill bird. इन लोगों को और कोई काम नहीं है। सूरज उगते ही कुत्ते बिल्ली कौवे चिड़ियों की वकालत करने के लिए मोर्चा खड़ा कर देते हैं। उनको भगाते क्यों नहीं? मैंने बोला जाने को सर, बोले आपसे मिले बिना नहीं जाएंगे। टेल मी व्हाट्स योर प्रॉब्लम। ट्राई परमिट का फ्रीक्वेंसी रेट क्या है? अब आपके टावर्स में फ्रीक्वेंसी रेट क्या चल रहा है? आसमान में उड़ने वाले पक्षियों का गर्भ में ही नाश कर रहे हैं। हेलो हेलो मिस्टर, लिसन, हम ट्राई के रेगुलेशंस को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। पहले से ही सब्सक्राइबर्स, बाथरूम में नो सिग्नल, लिफ्ट में नो स्काइप, बेसमेंट में नो कनेक्टिविटी। यू नो, पिछले 3 महीने में 2000 सब्सक्राइबर्स ने नेटवर्क बदल दिया, पता है? झूठ मत बोलो। आप लोगों के गंदे कॉम्पिटिशन में सब्सक्राइबर्स को पकड़े रखने के लिए फ्रीक्वेंसी को जैसे मर्जी आप लोग बढ़ाते रहते हैं। अब तो वो खतरे के हद से बहुत आगे निकल चुकी है। इस रेडिएशन से पक्षियों की पूरी पीढ़ी विनाश की ओर बढ़ रही है। आपको पता है इसके बारे में? ज्यादा एग्जैजरेट कर रहे हो। सेल फोन रेडिएशन से ही बर्ड्स का विनाश हो रहा है, इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। यू नो दैट? ठीक है, तुम आकर अपने सेल फोन टावर के नीचे 24 घंटे खड़े रह के दिखाओ, मैं साबित कर दूंगा। यू गेट आउट। साइंटिफिक प्रूफ मांगा आपने, मैं आपको दे रहा हूं। निकलो, आप जाके मीडिया को लेटर लिखो या धूप में झंडा पकड़ कर खड़े रहो, आई डोंट केयर। आउट, गेट आउट। नॉनसेंस। रुको, क्या कर रहे हो? बंद करो, यहाँ आसपास लोगों के घर हैं, पंछी भी आते हैं, बंद करो ये सब कुछ। ओ बुड्ढे, यहाँ एटॉमिक सेंटर को नहीं बना रहे हैं, सिर्फ सेल फोन टावर को लगा रहे हैं। अब तुम्हें भी अच्छी तरह सिग्नल मिलेगा, चल उठ यहाँ से। ये क्या हुआ? रामास्वामी, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि पक्षी कैसे मर रहे हैं, और तुम्हें बुरा भी लगा था, पर ये सब क्या करे भाई। दिवाला निकलना बाकी है बस, सारी फसल तो कीड़ों ने हजम कर ली, कीटनाशक खरीद खरीद कर बर्बाद हो गया। उसका भी कारण पक्षियों की मौत ही है। पक्षी कीड़ों को खा जाते हैं, पक्षी जितने कम होते जाएंगे कीड़े उतने ही बढ़ते जाएंगे। शायद ऐसा ही हो, लेकिन अब खेती बाड़ी करने की शक्ति नहीं, अब इसके अलावा मेरे पास कोई चारा ही नहीं है कमाने का। तो क्या पक्षियों को मारने वाले लोगों को जमीन दोगे तुम? यहाँ पर मनुष्य ही भूखे मर रहे हैं ना, तो पक्षियों की फिक्र कोई कैसे करेगा। चलो अभी परेशान मत करो। हर एक सेल फोन जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो पक्षियों के खून से रंगा हुआ है। हर एक सेल फोन किसी चिड़िया की कब्र है। इधर आओ। सर, कौन है वो? कब से सारे कस्टमर्स को पका रहा है, उसको निकालो। ओके सर। स्टॉप यूजिंग सेल फोन्स। Thank you.
सर, हर लेवल में मैंने इतने सारे पिटीशन किए हैं लेकिन किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। ओ, इसीलिए तो चिड़िया आजकल दिखाई नहीं देती। जब मैं छोटा बच्चा था तो कितनी सारी चिड़िया घूम घुमा करती थी, खेलता था उनके साथ में, और फिर जब मैं बड़ा हुआ तो अक्सर उन्हें पकड़ के खा जाता था 7-8। मोस्ट टेस्टी थिंग, मानसून में चाय और फ्राई पंछी। और वो जो चिड़िया की दवाई बनाते हैं, ही मैन मैटर। अब तो कहीं दिखती नहीं। ये क्या बात हुई सर, मैं उन्हें जिंदा रखने की बात कर रहा हूँ, आप उन्हें तल के खाने की बात कर रहे हैं। तो क्या मातम करूं, चिड़ियों के लिए एक नया कल्याण केंद्र बनाते हैं और तुम्हें उसका इंचार्ज बना देते हैं। पहले आप जरूरत से ज्यादा फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल करने वाले सब नेटवर्क पर एक्शन लीजिए। हाँ। उन सबका लाइसेंस कैंसिल कीजिए। फिर रेगुलेशन स्ट्रिक्टली फॉलो करने वाले सिर्फ 2 नेटवर्क्स को रहने दीजिए। क्या बकवास है ये, 125 करोड़ का देश है ये इंडिया, इतने सारे लोगों तक रीच करना है ना, हर किसी को सिग्नल चाहिए कि नहीं। आजकल सेलफोन लाइफ का आधार है। अरे पानी की तरह सेलफोन ना हो तो चलेगी नहीं दुनिया। सेलफोन से हमारा टाइम बचता है, उनसे व्यापार बढ़ता है, नौकरियां चली जाएंगी। भूख लगेगी तो क्या आदमी अपना हाथ काट के खा लेगा? पक्षियों के नाश से होने वाली प्रगति ऐसी ही कुछ है। अगर 30 ग्राम की चिड़िया हम पे विश्वास करके जी नहीं सकती तो ये कैसी प्रगति, कैसी टेक्नोलॉजी है ये? भारत से कई गुना बड़ा है अमेरिका, वहां सिर्फ 4 या 5 नेटवर्क है। दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या है चाइना में, वहां सिर्फ 3 नेटवर्क है, और यहाँ 10। सबसे लेकर बिना नियंत्रण के अनुमति देते हैं आप। ये तो ज्यादती है तेरी। हाँ, पढ़े लिखे दिखते हो, भले मालूम होते हो, इसीलिए इज्जत से पेश आया। उल्टा हम ही से राजनीति। तो सुनो, असली राजनीति सब कुछ कानून के दायरे में हो रहा है। जो भी अंतरराष्ट्रीय रूल्स है उनको फॉलो करके ही हम यहाँ सेलफोन सर्विस दे रहे हैं। जाना है तो जाओ, कोर्ट पे जाके केस करो, चलो यहाँ से। सर आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं, मेरी बात तो सुनिए सर। और कितना सुनाओगे, गो कोर्ट यू गो, जाके अपनी नाम कथा जज को सुनाओ सालों तक, जाओ। पीएम बोलते हैं जनता को समय देना चाहिए, नतीजा आधे तो क्रैक हो जाता है, कौन माथा फोड़े इनसे। सुनो, कोर्ट से वो रेडिएशन फ्रीक्वेंसी चेक करने आएंगे, बिल्कुल लिमिट में रखना। टेस्ट से साफ जाहिर है कि सारे प्रोवाइडर्स के मीटर्स लीगल रेंज के अंदर हैं। साथ ही ये भी साबित नहीं हुआ कि पक्षियों को या उनके सर्वाइवल पर कोई बुरा असर पड़ता है या नुकसान होता है, इसलिए पक्षी राजन के PIL को अदालत बेबुनियाद मानती है।
पक्षी राजन, आपकी सब बात जायज है लेकिन लोगों को मारना गलत है। चिड़ियों को झुंड झुंड में मारा गया, क्या वो गलत नहीं था? मानव की जान की एक कीमत और पक्षियों की जान की कीमत अलग। कुछ लोगों की गलतियों की सजा सारे बेकसूर लोगों को दोगे? कौन बेकसूर? सेलफोन रखने वाला हर व्यक्ति हत्यारा है। कितना चिल्लाया मैं, गली गली घूम कर हाथ जोड़ा मैं, सेलफोन ना यूज करने के लिए पैर पकड़ा मैं, किसी एक ने भी सुनी मेरी बात? इसके बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, टीवी पर देखते हैं, और देखने के बाद सेलफोन रेडिएशन से चिड़ियों की मौत होती है क्या? हाँ ना बेचारे, ऐसा 5 मिनट अफसोस दिखाकर उस आर्टिकल और वीडियो क्लिप को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करेंगे। कुछ भला कर दिया, हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई, और उसके बाद फिर से फोन पे बात करना शुरू कर देंगे साले। छोड़ूंगा नहीं मैं, सेल फोन रखने वाले एक और भी नहीं छोड़ूंगा। देखना, अब से सेल फोन ही लोगों का फंदा है, उसे देखते ही लोग डर के मारे भागना शुरू कर देंगे, देखना तुम। अक्षय, तुम्हारा खेल खत्म, बस रेडी है।
वेलकम। अरे ये क्या, तुमने अपना एमपीओ मेरे अंदर क्यों फिक्स कर दिया? ओह माय मिस्टेक, मैं समझ गया मेरी कोर मेमोरी कैसे करप्ट हुई। पंच डायलॉग्स, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, कुमकुम भाग्य सीरियल, करेले का कोफ्ता, ये सब कब और कैसे मेरे एमपीओ में घुसे? कम लाई डाउन, आई विल फिक्स इट। नहीं अभी रहने दो। और हर एक मनुष्य, सारे जीव जंतु, उनका ही क्यों, हर चीज हर जगह का ऑरा होता है, किसी धार्मिक तरह से नहीं, इट्स अ मैटर ऑफ साइंस। कर्लियन कैमरा के द्वारा लोग तो ऑरा की तस्वीर भी ले पाए हैं। साधारण मनुष्य का ऑरा बॉडी से 3-4 फीट तक होता है, लेकिन मुनि और ज्ञानी संतों का अक्सर 50 फीट। रशियन साइंटिस्ट डॉक्टर फ्रैंक पर्नोस्की ने यह साबित किया है। पक्षीराजन का ऑरा बहुत विशाल है और यह किसी एक मनुष्य का ऑरा नहीं है, हजारों लाखों पक्षियों का महा ऑरा, अ जायंट बॉल ऑफ नेगेटिव एनर्जी विद अ माइंड, अ वेरी एंग्री माइंड। शायद यही वो फिफ्थ फोर्स है जो सिर्फ सेलफोन्स को खींच रहा था। यह शहर खत्म हो जाता, चिट्टी वापस आ गया, इसलिए हम सब बच गए। थैंक यू चिट्टी, और इसको अंजाम देने वाले हर एक को मेरा शुक्रिया। हर ग्रंथ में लिखा है कि राक्षस से हमें बचाने के लिए परमात्मा अवतार लेकर पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। साक्षात परमेश्वर एक मशीन का रूप लेकर हमें बचाने आए हैं। कोई सोल्जर अगर बॉर्डर पे लड़ता है तो क्या उसका साया भी साथ नहीं लड़ता? अगर वो शत्रु का खून करता है तो क्या साया नहीं करता? तो क्या हम सोल्जर की जगह उसके साये को माला पहनाएंगे? वो है सच, मैं हूँ साया, सारा श्रेय मेरे सृजनकर्ता भगवान को ही जाता है। यहां और कोई है जिसका जिक्र होना चाहिए? अगर सही समय पे वो मुझे अपना दिल ना देती, एमपीओ निकालकर अगर वो मुझे ना देती, तो हम उस शक्ति को शायद ना मिटा सकते। वो है नीला। और इस शुभ अवसर पर एक और शुभ समाचार, डॉक्टर वशीकरण द्वारा सृष्टित इस चिट्ठी को हमारी सरकार ने मान लिया है। आज ही सवेरे इंडियन आर्मी के लिए 500 चिट्ठी बनाने का आदेश पास हुआ है।
जिम्मेदार लोगों, अपने सेल फोन्स निकालकर फेंक दो। इसे आखिरी आदेश समझो, नहीं तो मरना निश्चित है। बाबा, मैं किसी लड़की से नहीं, अपने बॉस से बात कर रहा था। ए, सुना नहीं क्या? I always wear Victoria's Secret, you know, including the latest. अरे 12 बजे वैसे सब लोग बंद कर दें। डॉक्टर, ये क्या कर रहे हैं? इस सब का क्या मतलब है? हाँ मेरे प्यारे खिलौने, अफसोस मैं तुम्हारा डॉक्टर नहीं। न्यूट्रलाइजर ऑन करो। खत्म हो जाएंगे। नो डॉक्टर, आई कांट डू दैट। चिट्ठी, एक को बचाने के लिए पूरी मनुष्य जाति का नाश मत करो। मुझे मार के उसे खत्म कर दो। किल मी। सॉरी डॉक्टर, एमपीयू के ह्यूमन इमोशंस ऐसा करने नहीं देंगे। ओ यू फूल, दिस इज माय ऑर्डर, किल मी। होल्ड फायर। इन गोलियों के कारण वसीगरन जान से जाएंगे, पक्षीराजन को कुछ नहीं होगा। चिट्ठी, ये क्या कर रहे हो? लेट देम शूट मी। नो। This is my order. On karo. काश मेरा कहा मान लेते चिट्ठी। Your call is disconnected.
शक्तिशाली हूं तबाही में मचा दूंगा, मजा को किसी को ना छोड़ूंगा। श्री राजा यही खौफ का तो नाम है, खुद को बचा एक ही तो जान है। तबाही तबाही आया करने तबाही में कुछ लाई चलाई तेरी रूह भी जलाई। छुप ना सकेगा क्या क्या मन को जगर रखा है मैंने, तू मर जाओगा पक्षी राजा। जिंदा लौटने का अलग ही मजा है। अक्षय, अब तू कभी उड़ नहीं पाएगा। हे नीला, कैसा लगा नजारा? नीला द लकी वुमन, हाँ? कम 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 ऑन बेबी। मुसगरन के क्रिएशंस में दो ही चीजें कमाल की हैं, एक मैं और एक तुम। क्या देख रही हो? कम ऑन, गिव अ ब्यूटीफुल किस टू योर ग्रेट किंग बेबी। स्टॉप द प्ले चिट्टी, पहले पक्षी को हराओ। एक तो वो तुमसे ज्यादा पावरफुल है और तुमसे ज्यादा तबाही मचा रहा है, तुम्हें पीट पीट कर तोड़ डाला। अब वो है दुनिया का नंबर वन, तुम नहीं। नंबर वन नंबर टू सब बच्चों का खेल है। आई एम द ओनली वन, सुपर वन, नो कंपैरिजन, अंडरस्टैंड? मैं समझ रही हूँ चिट्टी, उसको समझाना पड़ेगा पूरी तरह से। The king of birds,
The battle is on. Time at the Eiffel Finals. की मौत होने वाली है। यह कोई मामूली मौत नहीं, रेडिएशन डेथ। चिड़ियों की तरह चुन चुन में मारे जाओगे, समझे? आप सब जो सेलफोन इस्तेमाल कर रहे हैं उसका सारा रेडिएशन मिलाकर मैं आप सब पर ही इस्तेमाल करने वाला हूँ। डेमो देखना है। किसी और को चुन लो ना। I'm on your side। कैसे? मैंने ही तुम्हें आजाद किया था, उसके लिए तो छोड़ दो प्लीज। So what? तुम भी एक उपभोक्ता ही तो हो। सब्सक्राइबर्स, घबराइए मत, मरने वाले आप नहीं। एक छोटा पक्षी, क्या देख रहा है पक्षी? आई एम चिट्टी, रीलोडेड वर्जन 2.2। डॉक्टर आप? मैंने आपको गोली मार दी, आपको मारने की कोशिश की,
अरे कितना बड़ा पाप करने वाला था मैं। डॉक्टर मुझे कुछ मत कीजिएगा, आप मेरे सृजन करता है, अपने ही हाथों से मुझे तोड़िए मत, माफी देके छोड़ दीजिए प्लीज। ये ले वसी। आओ मेरे सेल्फी लवर्स, I'll set your screens on fire. Zero balance. चिड़िया
आयरन मैन। मैं ड्रैगन, जाने दो मुझे। माइक्रोबॉट वर्जन 3.0 बॉस को डिस्टर्ब किया तो कबूतर
चिड़िया 6 दिशाओं में देख सकती है, पक्षी तुम नहीं देखोगे। पहाड़ के नीचे पक्षी, ये रेडिएशन इस स्टेडियम को तो जलाएगा, मगर बॉनफायर पहले होगा कबूतरों का। नहीं बिगाड़ सकता मच्छरों का, लेकिन हजारों मच्छर शेर को धड़ाधड़ दौड़ा सकते हैं। बुढ़ो गुड जॉब 2.0। थैंक यू कमांडर। माइक्रोबॉट्स पोजिशन ऑल सेट। अच्छी हैव ए ब्लास्ट। सारे पक्षी मर जाएं। ए बीप, फॉलो मी, कम ऑन बॉस।
हम जिंदा हैं तो एक बार फिर सिर्फ आपके वजह से। आपने बहुत बड़ा रिस्क लेकर हम सबको बचाया। हमें बचाने वाली तो टेक्नोलॉजी है, लेकिन हम उस टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी का सही काम है बीमारियां मिटाना, गरीबी मिटाना, शिक्षा पहुंचाना। केवल स्वार्थ के लिए बेवजह इस्तेमाल करेंगे तो फिर से हावी होगी और हमें मिटा देगी। आपको लगता है कि पक्षी राजन फिर से आएगा? वो अब नहीं रहा, लेकिन हम अब भी नहीं सुधरे तो कोई और आ जाएगा। पक्षी राजन माना गलत था, लेकिन उसने जो कहा वो सच है। मनुष्य को जिंदा रखते हैं बाकी जीव जंतु। रेडिएशन को घटाना होगा, नेटवर्क को कम करेंगे। हमारी टेक्नोलॉजी से कोई अन्य जीव जंतु को नुकसान ना पहुंचे, ऐसा रूल होना चाहिए। ये भूमि हमारी प्रॉपर्टी नहीं, इसके हर एक प्राणी का इस पृथ्वी पर उतना ही अधिकार है। पक्षियों को हम बचाएंगे, एटलीस्ट गर्मियों में उनके लिए हम पानी तो रख ही सकते हैं। ये होगा मनुष्यों का परिचय। ये सब होगा वशीकरण, पार्लियामेंट के अटेंशन के लिए यही ले जा रहा हूं। आई विल मेक श्योर दिस हैपेंस। शुक्रिया वशीकरण। थैंक्स नीला। अपने साय को कौन थैंक करता है? ओह गॉड, चिट्टी के सीने में लगे रेड चिप को रिमूव करना होगा। डोंट वरी बॉस, सेफ्टी के लिए ऑटो इजेक्ट प्रोग्राम पहले से ही एक्टिवेट कर दिया था। स्मार्ट। गुड टू सी यू ऑल राइट डॉक्टर। मी टू चिट्टी। डॉक्टर, हम सारे रोबोट्स को जाकर दिल्ली हेडक्वार्टर्स में रिपोर्ट करना है। कैन आई लीव डॉक्टर? नीला को तुम साथ रखो। डॉक्टर, आपको इस हालत में छोड़ के? वो सब मैं देख लूंगा। क्या यही प्यार है? जाओ। थैंक्स डॉक्टर। है तू ही रे, तू ही रे, ताजुई है दिल चाचु ना हो ना कभी। सुन तो मैं कहने को सुंदरी है।